now we will discuss about the third barrier of the innate immunity, that is phagocytotic या endocytotic barrier. जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर ये phagocytotic cells, जो कौन कौन हो सकते हैं, आपके ब्लड में प्रेजेंट मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब. तो ये सब क्या करेंगे कि जब आप किसी माइक्रोब का इन्वेजन हुआ है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे. तो वो इस बैक्टीरिया को अटैच करके अंदर लेंगे, अंदर लिया, एक वैक्यूल बना, है ना, ये क्या हुआ, फैगोसोम बना. अब ए फैगोसोम क्या करेगा, एक दूसरा होता है लाइसोसोम, है ना, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं. तो ये फैगोसोम और लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा, लाइसोसोम विल फ्यूज विद फैगोसोम, और लाइसोसोम हैज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. तो ये एंजाइम आपके माइक्रोब को डिग्रेड करेंगे, और डिग्रेड करने के बाद ये वेसिकल एज अ होल आपकी जो भी फैगोसाइटोटिक सेल है उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, एंड दिस विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द सेल. तो दिस इज वन टाइप ऑफ बैरियर, ये एक वे है जिससे इननेट इम्यूनिटी काम करती है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू. अब जब ये सिंपल फैगोसाइटोसिस है, सिंपल एंडोसाइटोसिस, मगर जब आप इसी एंडोसाइटोसिस को किसी रिसेप्टर के थ्रू कर रहे हो, जहां पर आपका जो इन्वेजन माइक्रोब है वो डायरेक्टली ना आए, पहले किससे बाइंड करे, रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, तो उस केस में हम इसको टर्म देते हैं, ये बन जाती है स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. और वही जब इसको इसके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ आपका माइक्रोब ही नहीं, इसके साथ थोड़ा फ्लूड भी लिया जाए अंदर, जब फैगोसोम बन रहे हैं तो इसके साथ फ्लूड भी लिया जा रहा है, तो तब इसको बोलते हैं, दैट टाइम इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, है ना. तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी एंडोसाइटोसिस ही है, बस थोड़ी सी स्पेशलाइज है, यहाँ पर फ्लूड इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पर जो बाइंड कर रहे हैं मैक्रोफेजेस या जो भी सेल है फैगोसाइटोटिक सेल्स, उन वो कैसे, वो डायरेक्टली नहीं, माइक्रोब उनसे डायरेक्टली नहीं, बल्कि उनके रिसेप्टर से पहले मिलिए बाइंड कर रहा है और फिर वो अंदर लिए जाने हैं, राइट. तो दिस इज, तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोटिक बैरियर. इस तरीके से इननेट इम्यूनिटी काम करती है.